वैसे तो प्रदेश सरकार बेटी सुरक्षा की बात करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती हुई नजर आ रही है, लेकिन बेटियां आखिर पूरे प्रदेश में कहां सुरक्षित हैं? इस तरफ बेटियों के साथ रेप छेड़खानी हत्या जैसे अपराध पूरे प्रदेश में आए दिन हो रहे हैं, यह किसी से छुपा नहीं है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र के खारजा बंबा के पास से निकल कर आया, जहां एक दिन पहले मंचलों ने कक्षा 9 की छात्रा के साथ छेड़खानी की थी, जिसका छात्रा ने विरोध किया था और छात्रा को क्या पता था कि यह विरोध उसकी जान ले लेगा। तस्में युवकों ने युवती के घर में घुसकर हत्या कर उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया और घटना को अंजाम देकर जब वह भागने लगे तो लड़की के भाई ने दो युवकों को पकड़ लिया। जानकारी अनुसार उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के घिरोर में गुरुवार को एक किशोरी का शव पंखे से लटका मिला। परिजन ने नामजद लोगों पर घर में घुसकर हत्या करके शव को पंखे से टांगने की बात कही है। वहीं मोहल्ले में हॉरर किलिंग की भी चर्चा हो रही है। एसपी एएसपी सहित थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार मृतका किशोरी घिरोर कस्बे के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा थी। गुरुवार सुबह उसके पिता और भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। माँ छत पर बैठी हुई थी। आहट होने के बाद माँ जब नीचे आई तो उसने युवती का शव कमरे में पंखे से लटके हुए देखा। बताया जाता है कि इस दौरान छात्रा का भाई विकास यादव भी घर के बाहर आ चुका था। वहीं परिजन के अनुसार घर से निकलकर भाग रहे चार युवकों में से दो को विकास यादव ने दोस्तों के सहयोग से पकड़ लिया। मृतक छात्रा के भाई ने बताया कि युवक गोविंद, जो कि बहन के ही स्कूल में पढ़ता था, आए दिन बहन को राह चलते परेशान किया करता था। बुधवार को बहन ने उससे शिकायत की तो उसे समझाने के लिए गया था। वापिस लौटने के बाद शाम के समय गोविंद अपने भाई पवन और 7-8 अन्य लोगों के साथ घर आया और छात्रा के भाई को 24 घंटे में देख लेने की धमकी देकर वह चला गया था। एसपी अजय कुमार पांडे, एएसपी ओम प्रकाश सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस ने आरोपी दोनों युवकों को भी हिरासत में लिया है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की। एसपी अजय कुमार पांडे का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के हर पहलू से जांच की जा रही है। वहीं मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे हम जाने तो नहीं ऊपर जाते रे। विकास, ये कैसे, क्या घटना हुआ, पूरा घटनाक्रम क्या है? कल मतलब दीदी का मेरे फोन आया था, मतलब 2:30 बजे स्कूल से निकलने के बाद जी। ये लड़के कुछ परेशान कर रहे थे इसे, तो मैं वहाँ गया था, वैसे लड़के निकल गए थे ये। फिर शाम को कम से कम 8 लड़के मेरे पास, मेरे घर पे आए थे यहीं पे जी। यहीं पर मुझे धमकी दे के गए, मतलब मैं देख लेना, शांत रहना, नहीं तो ये ठीक नहीं है। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, कहा नहीं मैंने। फिर कुछ सुबह फिर आ जाए, मैंने बाहर से पकड़ा, मम्मी चिल्लाई तो बाहर से यहाँ से निकल रहे थे जस्ट आज सुबह ही जी, लगभग 10 बजे के लगभग सुबह। यहीं से दो बंदे भाग गए, दो को मैंने पकड़ा। फिर दो को पकड़ के पुलिस ले गई बस। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये लड़की जो मतलब जो ना सब लटका हुआ मिला है, तो क्या लगता है, क्या लड़कों ने मारा है या खुद आत्महत्या की? लड़कों को निकलती हुआ देखा, लड़कों ने मारा है, लड़के मार के गए थे। केवल वो शिकायत की थी आपसे? किसने? बिटिया ने शिकायत की थी आपसे इसी के चक्कर में? कौन सी क्लास में ये बच्ची पढ़ती थी? अच्छा ये जो लड़के कौन थे, कुछ पहचान पाया आपने? हाँ पहचान लिए, दो लड़के मदरसे में पढ़ते हैं जिन्होंने कमेंट की थी, उनके भाई थे। कुल कितने लोग थे जो कल बच्ची को परेशान? 8 लड़के आए थे यहाँ पे मुझे धमकी देने। नहीं, बच्ची को कितने लड़कों ने परेशान किया? 3-4 लड़कों ने। 4 लड़कों जी। तो क्या आज वो चारों लड़के आए थे साथ में? हाँ एक नहीं था, एक भाग गया था। अच्छा, गाड़ी से रह गया तो भाग गया था। अच्छा ये लड़के रहने वाले कहाँ के हैं? दो भगवानपुर के हैं और एक घुराई का, एक मऊहार का है जी। ये साथी लोग हैं सब? हाँ सब। और गुड़िया कौन से स्कूल में पढ़ती थी? मतलब टेरेसा स्कूल में। इनके नाम क्या लड़कों? लड़कों के एक बंटी है घुराई का जी, रिंकू भगवानपुर का, पवन भगवानपुर का, गोविंद है जो मदरसा पढ़ता है वो भी भगवानपुर का ही है जी, एक मनीष नाम का है। ये लोग थे जी। ये धानगढ़ नगला केसराज गांव है, वहाँ पर एक नाबालिग बालिका है, कक्षा 9 की छात्रा। उनके भाई और उन्होंने बताया है कि आज सुबह उन्होंने 5 लोगों का नाम बताए हैं, उन्होंने कल छेड़ा था इनको, लेकिन हमने लड़की की इज्जत के कारण कोई शिकायत नहीं की। आज इनकी माताएं छत पर बैठी हुई थी, लड़की नीचे थी, और जब नीचे आई तो देखा है कि लड़की पंखे में लटकी हुई है। कुछ लड़के घर से बाहर भागते देखे गए थे, चिल्लाएँ, दो लड़के मौके पकड़ लिए गए हैं और अभी तक कोई तही प्राप्त नहीं हुई है। पंचायत ने कार्य हम कर चुके हैं,
दही प्राप्त की अफवाह दर्ज कर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।